फ्री फायर टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों क्या आप भी चाहते हो AWM से बहुत सारे बंदों को किल करना? क्या आप भी चाहते हो AWM किंग बनना? तो चलो मेरे साथ। चलो। देखो AWM को बिल्कुल गॉड लेवल का चलाने के लिए आपको जरूरत होगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप दोनों। टिप नंबर 1, कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अब देखो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा जो मैटर करता है, आप चाहे किसी फाइट में फंसे हो या फिर आप किसी गन को लेके बहुत अच्छा खेलना चाहते हो लाइक AWM, या फिर वन टैप बहुत अच्छा मारना चाहते हो, इन सब चीजों में कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आप चाहते हो AWM को बेस्ट चलाना, तो उसके लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी तो लेना पड़ेगा ना। देखो सबसे पहले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की बात आई गई और उसमें बेस्ट की बात आ गई, तो बेस्ट क्या हो सकता है? लौरा कैरेक्टर। जी हाँ, ये आपकी एक्यूरेसी को 50% तक बढ़ा देता है जब आप स्कोप इन करते हो, और AWM का आप जब भी चलाओगे स्कोप तो ऑन होगा ना। अब आपका नहीं होता क्या? तो आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है और ऑन कर लेना है होल्ड फायर टू स्कोप वाला ऑप्शन को, जिससे कि आप जब भी फायर बटन पे प्रेस करोगे AWM को लेके, आपका स्कोप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और आपका एक्यूरेसी जो है वो 50% बढ़ जाएगा लौरा कैरेक्टर की हेल्प से। कैरेक्टर नंबर 2, मारो कैरेक्टर को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये डैमेज इंक्रीज करता है विद डिस्टेंस। अगर आप दूर जाते हो तो आपका जो डैमेज है वो बढ़ता रहता है AWM से। आप शॉर्ट रेंज का फाइट तो नहीं लोगे ना, दूर से ही फाइट लोगे? अच्छा, शॉर्ट रेंज का भी फाइट लेना है क्या? तो उसके लिए आगे बताता हूँ, बट लॉन्ग रेंज के फाइट के लिए आपको मारो कैरेक्टर यूज करना है। अगर आप लॉन्ग रेंज से डैमेज दे रहे हो तो डैमेज बहुत ही ज्यादा पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 600-800 का पड़ जाएगा बॉडी शॉट, बट 150 की जगह 170-180 पड़ सकता है। अब देखो आपने डैमेज दे दिया, एनिमी को डाउन कर दिया, लेकिन अब उसका दोस्त उसको आगे रिवाइव दे देगा यार, तो उसके लिए हम यूज करेंगे राफेल कैरेक्टर को, जो कि टकला है पर काम बहुत बढ़िया करता है। ये क्या करेगा, 85% फास्टर वो जो आपने एनिमी को डाउन किया उसको नॉक से खत्म कर देगा, मतलब आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने ऐसे खत्म कर देगा भाई, सामने वाले के टीममेट्स को रिवाइव करने का चांस ही नहीं मिलेगा, समय ही नहीं मिलेगा, कहां से रिवाइव करेंगे बताओ, नहीं कर पाएंगे ना। तो बस आपको इन 3 कैरेक्टर्स का मस्ट यूज करना है, मस्ट मतलब आपको करना ही करना है, लिख के ले लो आप, अभी जाके लगा लो कैरेक्टर, उसके बाद वीडियो फिर से स्टार्ट करना, ठीक है भाई मैं चलता। और उसके साथ आप जो भी कैरेक्टर यूज करना चाहते हो, जैसे आलोक या फिर वुकोंग या फिर तत्सुया, जो भी कैरेक्टर आपको पसंद है, आप जिसको बहुत अच्छे से चलाते हो यूज करते हो, उसको आप ले सकते हो, बट ये 3 कैरेक्टर्स को आपको लेके खेलना है। बढ़ते हमारे टिप नंबर 2 की ओर। टिप नंबर 2 है हमारा रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है, जैसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैटर करता था उससे थोड़ा सा ज्यादा तो रिएक्शन टाइम ही मैटर करता है। अब देखो इसका डैमेज AWM का डैमेज बहुत ज्यादा है, पर ज्यादा कब है? जब सामने वाले एनिमी को आपका गोली टच होगा, आप उसको गोली मार पाओगे तब तो इसका डैमेज ज्यादा है। अगर गोली टच नहीं हुआ, आप सामने वाले को गोली लगा ही नहीं पाए, तो डैमेज कहां पड़ेगा? आपको क्या करना है, आपको एनिमी से 2 कदम आगे सोचना है, आगे रहना है, आपकी जो हाथ की स्पीड है ना वो ऐसी होनी चाहिए, अदरवाइज भूल जाओ AWM चलाना, और आपको 3 फिंगर्स के साथ खेलना पड़ेगा। 2 फिंगर्स से AWM चलाना, वैसे आप चला तो लोगे, बट 3 या 4 फिंगर से खेलोगे ना तो आपको एडवांटेज, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और जिसकी स्पीड ज्यादा है वो समझ लो वो किंग है भाई। आप स्क्रीन के सामने ये क्लिप देख सकते हो, यहाँ पे भाई बंदा निकल रहा है, वो हेडशॉट खा के डाउन हो जा रहा है, इतना स्पीड, जैसी एनिमी पे एम के आपको फायर कर देना है, सोचना नहीं है, रुकना नहीं है। और ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस कर करके होगा, आपको अपने हाथ की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, जैसी वो दिखा वो बंदा खत्म हो जाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये आप कैसे करोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके करोगे, 3 फिंगर करके करोगे, या फिर 4 फिंगर खेलोगे, क्या क्या लगाओगे, कुछ भी कर लो, बट AWM की स्पीड मुझे चाहिए आप लोगों से, क्योंकि फायर इस गेमिंग के सब्सक्राइबर चाहे कुछ भी करे उसमें वो बेस्ट होने चाहिए। लग जाओ प्रैक्टिस में, बढ़ते हमारे टिप नंबर 3 की ओर, एम कॉर्ड से। अब अगर आप शॉटगन चलाते हो, आपको यहाँ पे एक गोल सा दिखता है, ये जैसी एनिमी पे जाता है आप उसको मार देते हो। अगर आप स्कार चलाते हो तो भी आपको एक ऐसा गोल सा बिंदु दिखता है, बट वहीं पे अगर आप AWM चलाते हो आपको कुछ नहीं दिखता, पूरा स्क्रीन खाली रहता है। अब हम बिना स्कोप किए किसी को तो मार ही नहीं सकते, शॉर्ट रेंज में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फायर आइज की वीडियो देख रहे हो, दिक्कत खत्म यहीं पे आपकी पूरी दिक्कत खत्म हो गई है। आप जैसे ये स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने खुद ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एक बिंदी लगाया हुआ है, लेकिन अगर आप फोन में खेलते हो तो आप अगर ऐसे मार्कर से पॉइंट करोगे तो आपके खेलते 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 वो मिट भी सकता है, या फिर वो सही नहीं होगा। फोन में करना, PC में है तो वो बस छोटा सा एक लग गया, फोन में आप क्या कर सकते हो, फोन में आपको जाना है कस्टम HUD में, आपको किसी भी अनयूज्ड, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, अरे किसी को भी लाके बीच में लाना है, बिल्कुल बीच में, और उस बिंदी की जगह जैसे मैंने PC में लगाया वैसे आपको उसको एक बिल्कुल छोटा कर देना है, जितना छोटा होगा उतना छोटा करके बीच में लगा देना है, ताकि आपको एक AWM का कॉर्सर मिल पाए, फिर आप शॉर्ट रेंज में दुम 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 फाइट कर पाओ, मतलब फायर कर पाओ, और सामने वाला बंदा पागल हो जाए, साला ये शॉर्ट रेंज में इतना भयंकर कैसे चला रहा है, सामने वाले को सोचने दो। हम बढ़ते हमारे टिप नंबर 4 की ओर,
जो कि एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, स्मोक ग्रेनेड ट्रिक। आप में से बहुत लोगों को पता होगा बट यूज क्यों नहीं करते, फिर मैंने एक को भी गेम के अंदर इसका यूज करते हुए नहीं देखा। देखो मैं यूज कर रहा हूँ, क्या भयंकर मार रहा हूँ, 3-4 बंदे खत्म कर दिए मैंने, आप जैसे कि स्क्रीन के सामने देख सकते हो। ये क्या पहला बंदा, ये गया दूसरा बंदा, और यहाँ पे तीसरा भी आया, कोई मुझे देख नहीं पाया, मैंने सबको खत्म कर दिया। भाई स्मोक ग्रेनेड का काम ही ऐसा है, अगर आप स्मोक ग्रेनेड के अंदर घुस जाते हो AWM लेके, आप इसको ऑन करोगे तो आपको सब कुछ दिखेगा, सब कोई दिखेगा, पर सामने वालों को आप नहीं दिखोगे, उनको सिर्फ धुआं धुआं दिखेगा। तो इस बात को समझो और इसका बेस्ट यूज करो। आप जब भी AWM लेके खेल रहे हो, बीच में फंस के स्मोक ग्रेनेड फेंक दो, अंदर घुस जाओ और सबको मार दो। वीडियो पसंद आया तो दबा दो सब्सक्राइब वाले बटन को, और अगर चाहिए फ्री फायर में बहुत सारे डायमंड्स वो भी बिल्कुल फ्री में, तो इस पे दबाओ वरना फिर मिस कर दोगे। लूट लो भाई, जब तक है तब तक दबाओ।